अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आप सबको। DHA गुजरांवाला में जनाब क्या हो रहा है ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। और हम लोग आप लोगों तक DHA गुजरा, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, आप लोग जाहिर बात है कि फिक्रमंद होते हैं अपने प्लॉट्स को लेके, अपनी फाइल्स को लेके। तो आपको तमाम अपडेट्स, कब फाइल्स को ख़रीदना है, कब बेचना है, ये सारी सिस्टम्स आपको इस चैनल की नस्बत से मिल रही होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और किसी भी दोस्त ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी रिश्तेदार ने करनी हो, तो उसको हमारा 92 रेजिडेंस का सेल परचेज के रिलेटेड ज़रूर रेफर करें, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जनाब डिस्कस करते हैं, जैसे कि जनाब मैंने आपको पोजेशन से पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप सबको बताया था कि जनाब अगर आपने चीज़ को बेचना है, मेला लगा हुआ है, चीज़ों को निकाल रहे, ठीक है, रेट अच्छे लग रहे थे तो कई बंदों ने बात मानी, कई बंदों ने सेल किए और खुश हैं, ठीक है, कोई पछतावा नहीं उन्हें। और मैंने ये भी कहा था कि इंज नहीं होना कि जनाब पोजेशन लभन तुहाड़ियां फाइलां जनाब तुहाडे सॉरी प्लॉट जड़े ने वो 80 लाख का पाई मर लगा हो जाना। ये मैं इस तरह का कुछ भी नहीं होना है, मैं तुम सारी गल्लां दसियां, तुम मेरी पिछली जगह वीडियोज देख सकते हो। हुन की हो रहा है इस टाइम राइट नाउ, हर बंदा तकरीबन 80% जिन्हें बंदियां दे प्लॉट सन जिन्हें बेचने हैं उन्होंने उस टाइम बेचे नहीं है, उन्होंने यही पोजेशन तो बाद पता नहीं इतने की हो जाना, ठीक है, इतों को किड़ा तेल निकल आना। तो हर बंदे ने जनाब अपनी चीज़ को होल्ड कर लिया। हाँ जनाब फोन किए कि सर प्लांट एक लगवाया है सेल होने वास्ते, तो क्लाइंट लगे इन्ने पैसे जिन्हें तुम मंग रहे हो उन्हें दे रहे तो दे दौ, नहीं यार मैं हूँ इन होल्ड कर सोच रहा, ठीक है, पोजेशन तो बाद बेचा बस आके, ठीक है, ओके सर अल्लाह। तो जिन्हें बंदियां बेचे वो बड़े अच्छे रहे। हूँ की है कि हूँ कुछ सैक्टर प्लॉट्स थोड़े बैक आ गए, जिमें कि G1 का दोबारा रेट जोड़ा 65-66 के राउंड अबाउट आ गया, टच करके पोजेशन तो पहले 70 तक गया से, हूँ वो थोड़ा वापस आ गया, वो तकरीबन हूँ तुम 65-66 के राउंड अबाउट प्लॉट मिल जाए। फिर उन्होंने बाद जनाब जोड़ा G2 है वो 71-72 के राउंड अबाउट गया से, वो तकरीबन हूँ तुम 68 तक भी उत्थे प्लॉट मिल जाए, ठीक है। उतना बाद तीसरा जनाब यह जो दो ब्लॉक्स ने इन्हें थोड़ी बैक मारी है। फिर उन्होंने बाद G3 G4 की जी कनाल है वो ठीक रही है, ठीक है, उन्हें कोई इन्ने पैसे नहीं कटाए है, वो तकरीबन 1 करोड़ तो उत्ते ही है जे भी। उन्होंने बाद C1 ने प्राइसा कटाइया ने, उन्होंने बाद C2 C3 ने कटाइया ने, C4 के अंदर भी 50,000 लाख रुपये का फर्क पै, लेकिन C5 जो फिर भी स्टेबल रहा, 10 मरला भी स्टेबल रहा, 5 मरला भी स्टेबल रहा। रीजन लोकेशन बहुत आउट क्लास है C5 की, उ 10 मरला भी जो डिमांड अच्छी है, जो थले वाले ने उत्ते वाले ने थले वाले जो 10 मरला, 5 मरला भी जो स्टेबल रहा। इस तरीके मार्केट चल रही है, हूँ होएगा कि हूँ तुम्हें की करना चाहिए, हूँ मार्केट के अंदर प्लॉट बहुत ज़्यादा ने, ठीक है, तो परचेजर डेली का कह लो कि 2-3 प्लॉट बिक रहे हैं डेली के, ठीक है, तकरीबन इन्नी को डील हो ही जाती है पूरी मार्केट जे वेखो तो डेली की इन्नी सेल परचेज है DHA गुजरांवाला के। क्योंकि मैं समझना कि एक नॉर्मल ईयर इस तरह के हालात के जिस थे मुल्क साढ़ा जो खलोते हैं उत्थे इन्नी सेल परचेज हो, मेरे ख्याल ना तो बेहतर है प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने बाद तुहाडे कोल जिहड़ी हुण तुसां फ्यूचर विच की करना, जिन्हां कोल प्लॉट ने बजन अजे वेखो अजे गेमा पता की चल रही ने, सपोज कर लेंगे 65 लाख का G1 का प्लॉट है, वह जनाब 4 लाख 4.5 लाख डिवेलपमेंट चार्जिस ने, वो ट्रांसफर के चार्जिस ने, ये वो अजे रोले ने है यार, इतनी लैंड सर, कॉस्ट ऑफ लैंड है सर, इतनी जनाब आपकी ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इतने आपके ट्रांसफर के चार्जेस हैं, क्लाइंट पैनिक हो जाता है कि यार कि मैं खर्चे सुना रहे हैं। कि जदों इतने घर बनने स्टार्ट होने ने ना, जदों इतने घर बनने स्टार्ट होने ने
ऑटोमैटिकली सारिया शेवं जड़िया ने ना उन्हें कन्वर्ट मार जाना है। ठीक है, उन्हें कन्वर्ट ए मारने के फिर कोई नहीं होना, फिर सिंपल ए होना है कि जनाब यह प्लॉट पे है ये ना 85 लाख का 90 लाख का प्लॉट है सपोज कर लेने, फिर ए रेट्स आ जाने ने। तो मेरे जानने वाले दे विच दो तीन ऐसे ने कि जिन्हें इतने अंदर अपने पोजैशन अप्लाई कर दिते ने, डिवेलपमेंट चार्जिज उन्हें क्लीयर कर दिते ने, फिर वो अपना नक्शा जोड़ा है वो सबमिट करवा रहे हैं, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन कर जा रहे हैं। एन जी अंदर की न्यूज़ है कि DHA गुजरांवाला ने PD साहब ने खुद इनवाइट किया है जो बंदे इतने DC कलोनी घर बनाते सन या डिफरेंट सोसायटियां घर बनाते हैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने बुला के उन्हें आख्या कि जनाब इतने हम डिवेलपमेंट करो, प्लॉट लवो तो डिवेलपमेंट करो, उदा ऑटोमैटिकली जेड़ा एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आना है DHA गुजरांवाला की मार्केट दे विच। ते जदों कह लो कि घर बनने स्टार्ट हो जाने ने फिर प्राइसां स्टेबल हो जानिया ने, फिर ए नहीं होना कि जनाब ए जनाब प्लाट जेड़ा है हूँ 3 लाख थले आ गया, 5 लाख उत्ते टुर गया है, फिर 3 लाख थले आ गया, फिर ए पैनिक सिचुएशन नहीं होनी है, फिर एक स्टेबल रेट चलने ने, फिर डे बाय डे थोड़ा बहुत इनक्रीज होते रहने। तो बाकी गल है वे दूजी अच्छी इस प्रोजेक्ट की गल है वे कि इतने होर कोई इस टाइम सोसायटी सोच भी नहीं सकती गुजरांवाला चाहूँ का। वो रीज़न है वे कि गुजरांवाला के बई जमीन ही बहुत महंगी है। ठीक है, जमीन बहुत महंगी है, माड़े तो माड़े पिंड टुट जाओगे 1 करोड़ का किला उ, कौन इन्नी महंगी जमीन लैके सोसायटी बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो थोड़े को आ जाके ऑप्शन गुजरांवाला दी साइड सिर्फ DHA, परले पास टुर जाओगे तो पाम सिटी है, तो जो गुजरांवाला इस पास रहना है तो वह ऑटोमैटिकली सिर्फ और सिर्फ थोड़े को ऑप्शन एक ही बचती है DHA कैंट सारा फुल हो गया है। DC कलोनी जोड़ा उत्थे को गिने चुने प्लॉट्स है ने एक्सटेंशन 2 के एक्सटेंशन 1 वो भी फुल है, तो होर थोड़े को ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। डिवेलपर्स आ रहे हैं, इनवैसटर्स आ रहे हैं जोड़े घर बना के सेल करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिवेलप होएगा। तो जेडे बंदे यह सोच रहे हैं कि असा जनाब फ्यूचर घर बनाना है, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम, थोड़े को ऑप्शन बहुत अच्छिया ने। ठीक है, थोड़े को ऑप्शन ज़्यादा ने, तुसी एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट चूज कर सकते हो, इनवैसटमेंट का राइट टाइम है वे। जिंदगी दे विच एक बार तुसा घर जरूर बनाना है। ठीक है, अज अगर तुसी यंग हो तो कह लो कि तुहानू और कुछ 10-15 साल तक घर बनाना पैना है, जो थोड़े बच्चे थोड़े वड्डे होंगे तो घर एक बार बनाना पैना है। तो जे तुसी हजे बुजुर्ग हो तो तुहानू फौरन बनाना पैना है। इस तरीके नाल तो आ जा के तुसा पैसे जड़े ने ना वो सिर्फ हूँ इस टाइम लैंड चो बचाने ने, प्लॉट चो कंस्ट्रक्शन जो तुसी पैसे नहीं बचा सकते, क्योंकि वो सीमेंट वेख लो 1100 समथिंग एक तो आया ही, दोबारा कुछ 1350-1400 का हो गया, लोया 225 तो ही दोबारा 225 तो टुट गया, तो कंस्ट्रक्शन जो पैसे कोई नहीं बचने, वो गल झूठ है। आ जाके तुहानू जिहड़े पैसे बचने ने वो आके बचने ने इस पास लैंड चो, अज ले लो गए प्लॉट फ्यूचर के अंदर 5 सालों 10 सालों 15 सालों जो भी तुसा घर बनाना होगा तो तुहानू बचत जी है लैंड वालों हो जाएगी। तो एक अच्छी सोसायटी है ना, कोई फ्यूचर ही दोबारा कोई इतने आनी जे, आ जाके सारा प्रैशर पैना DHA पर। तो जिस बंद ने सिर्फ इनवैसटमेंट की नीयत ना लेना उस बंद फायदे रहना, जिस बंद घर बनाना उन्हें भी फायदे रहना। ठीक है, तो इन अलावा फाइलों फाइल तकरीबन 26 लाख तो 5 मरला स्टेबल है, 44 लाख तो 10 मरला स्टेबल है, 70 तो कनाल थोड़ी स्टेबल है, एफिडेविट्स के रेट 10 है, तो बहुत अच्छा टाइम है कि तुसी अपनी इन्वेस्टमेंट कर लो। नहीं पैसे है यार 10 मरले तक G1 दे तुहाड़े को पैसे, तुहाड़े को C5 दे पैसे नहीं है, G2 चार्ज हो, G2 दे पैसे नहीं है, G1 चार्ज हो, उहदे नहीं है, LA चार्ज हो, तुहाड़े को बड़ियां ऑप्शनस ने यार DHA दे विच, तुहाड़ी पॉकेट दे जिन्नी तुहाड़ी जेब इजाजत देगी हर लैवल का हर तरह नाल सूटेबल प्लॉट तुहानू मिल जाने। ठीक है, इस टाइम DHA दे विच उदा भी पैसे नहीं है जनाब, फिर फाइल पर आ जाओ, बैलेट तो होनी है ना कभी तो होएगी, सेव हो जाओ, तो लेट ना करो क्योंकि वेखो हूँ डॉलर बैक आने लग पे दोबारा,
पाकिस्तान दे सऊदीया दे नाल जिहड़ा उन्हां तौसीह कीती है जिहड़ा असां उन्हां कोल लिया 3 बिलियन डॉलर उहदे टाइम च इजाफा होया यूएई नाल तुहाडे एमओयू साइन हो रहे ने नैक्सट तुहाडे इलैक्शन हो जाने ने इंडस्ट्री नूं एमनेस्टी मिल जानी है सारे जिहड़े सेंटीमेंट्स ने इह सारा इह शो कर रहे ने कि पाकिस्तान की इकोनमी बेहतरी की तरफ है 61,700 पॉइंट सन कल स्टॉक मार्केट दे ते बड़ा अच्छा रुझान है पाकिस्तान की इकोनमी का मैं सब तो पहले दुआ करना कि साड़ी इंडस्ट्री स्टेबल हो गई साड़ी इंडस्ट्री स्टेबल हो गई इतने जॉब्स क्रिएट हो किसी बाहर नहीं जाना पवेगा हर तरह नाल काम खुशहाली ला जाते आ जाके फिर बंदे ने की करना है पैसा कमा के बंदे ने करना की है आ जाके बंदे का सब तो व्डा जहाँ ड्रीम होंगे एक अच्छा घर होंगे बंदे आओ कमाने ठीक है जेडे को बाहर गए हैं उन्होंने भी अपने वालदेन पिछले घर बना के देना अपने बच्चों को घर बना के देना तो प्रॉपर्टी भी चलनी चलनी है जिनी देर तक अल्लाह तला ने यह बंदे रखे ने बंदे की बेसिक नीड के छत छत उन्होंने चाहिए चाहिए ये जनाब आज की वीडियो है कोई भी चीज़ चाहिए हो सेल परचेज अपनी करनी हो 92 रेजिडेंस का प्लेटफॉर्म है एवं मतलब किसी की गल आ गया पैनिक हो गया अपनी शहना बेचा करो अपनी जुबान पर रहा करो अपने बंदे रहा करो जने बन के रहा करो शह बेचते भी जने बन के रहा करो क्योंकि जोड़ा सपोज कर लें G1 का 10 नंबर प्लॉट सिर्फ तुहाडा है ठीक है सिर्फ कल तुम मालिक हो वो तुहाडे मुल से विकना चाहिए ना कि किसी होर के मुल से विकना वो कल तुहाडे दे मुल से विकना चाहिए इस तरह के जने वाले फैसले करिया करो तो जे एक बार कमिटमेंट कर लीए कि जनाब मैं इन्हें का बेचना है वो फिर ऐ ना वेखो कि जनाब हूँ बद रहे हैं तो वधन दियो वधन दियो किन्ने तक जाएगा वो गल झूठ होंगी है ठीक है तो दलेर होकर खरीदया भी करो तो दलेर होकर बेचिया भी करो एवं किसी की गल च आ गए नहीं सारी तरह का टोकन आ रहा है इतने का बेच नहीं है क्यों कद तू बेच दो बी थोड़ी शायद बेच अपनी दिहाड़िया कुछ ला लेंगे ने थोड़ा जि बचा करो यही ना भाई दी वीडियो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन नैक्सट आ रहे हैं उसे डी एच ए विजनवाला के थोड़े शेयर करा अपने असी हायरिंग कर रहे हैं अजक एक अच्छे आर्कीटेक्ट की भी असी नैक्सट इंशाला 92 रेजिडेंस तुम प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देगी कि तुम अपना प्लॉट भी साढ़े तो खरीदोगे अपनी कंस्ट्रक्शन भी साढ़े को कराओगे साढ़े को करना है साढ़े को चाबियां लगोगे बस इस तरह से तुम रेनोवेट करके देंगे तो इंशाला अल्लाह हैर करेगा एक लोंग टर्म साढ़ा रिलेशन चलेगा जेडे को जवान ने उन्होंने नाल असं बुढ़े होवे पूरा शहर आबाद होने अल्लाह की सही है सर इजाजत दियो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।